हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कैगल के ऊपर, कैगल का रैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और आप कैगल पे एक स्ट्रांग प्रोफाइल कैसे बना सकते हो। और उस वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आप कैगल पे अपना खुद का डेटा सेट कैसे अपलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। इस वीडियो में हम अपना खुद का डेटा सेट कैगल पे अपलोड करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि डेटा सेट अपलोड करना क्यों है। मैं आपको तीन रीजन देता हूं। पहला रीजन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैगल का जो रैंकिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, तो उसमें अगर आपको आगे बढ़ना है और आप कॉम्पिटिटिव डेटा साइंस को थोड़ा सीरियसली ले रहे हो, आप कैगल पे एक अच्छा प्रोफाइल बनाना चाहते हो, तो एक अच्छा तरीका है कि आप डेटा सेट्स अपलोड करो, काम के डेटा सेट्स जो दूसरे लोग यूज कर पाए, ठीक है। तो दिस इज रीजन नंबर वन टू दैट दिस विल हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैगल प्रोफाइल, ठीक है। रीजन नंबर टू, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप ऐसे करोगे अपने डेटा साइंस करियर में जिसके डेटा सेट्स आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा जुगाड़ करके या हो सकता है बनाना पड़े। तो मैंने भी ऐसा बहुत सारा डेटा सेट्स पास में क्रिएट किया, बट सिंस मैंने उसको कहीं पे स्टोर नहीं किया तो आज की डेट में वो खो गए और मुझे खुद नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो कैगल कैन एक्ट एज अ गुड स्टोरेज मीडियम कि आपने कोई डेटा सेट क्रिएट किया, आपने उसको कैगल पे डाल दिया, दो साल बाद भी आप आके देख सकते हो कि हमने उस टाइम पे क्या किया था, ठीक है। और रीजन नंबर थ्री है कि कम्युनिटी को कुछ देना चाहिए, राइट। कैगल इतना स्ट्रांग कम्युनिटी इसीलिए है क्योंकि आपके तरह के बहुत सारे एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंटिस्ट लोगों ने जब भी कोई डेटा सेट क्रिएट किया उसको कम्युनिटी के साथ शेयर किया। तो आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम भी कुछ कम्युनिटी को पलट करके दें, ठीक है। तो मुझे लगता है एटलीस्ट हम सभी को एक डेटा सेट तो शेयर करना ही चाहिए और उससे ये कम्युनिटी और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आई गेस मैंने आपको रीजंस दे दिए। अब क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा डेटा सेट अपलोड करने वाले हैं। सो लेट मी टेल यू, कुछ दिन पहले मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। द प्रोजेक्ट वॉज इमेज टू रेसिपी कन्वर्जन, ठीक है। ये एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट था जहाँ पे मुझे एक वेबसाइट बनानी थी। उस वेबसाइट में अगर आप किसी भी कुजीन, इंडियन कुजीन का फोटो क्लिक करके अपलोड करो तो वो डिटेक्ट करता था कि कौन सी कुजीन है, डोसा है, इडली है या फिर छोले भटूरे हैं, वो डिटेक्ट कर लेता था और फिर डेटाबेस में जा करके वो निकालता था कि उस डिश को बनाने के लिए, उस कुजीन को बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और रेसिपी क्या है उसको बनाने की, और ये दोनों चीज़ें यूज़र को दिखा देता था। अब जब मुझे प्रोजेक्ट बनाना था तो मुझे इसके लिए कोई डेटा सेट मिल नहीं पा रहा था कैगल के ऊपर या कहीं और, तो मैंने डिसाइड किया कि ये डेटा सेट मैं खुद से क्रिएट करूँगा। सो मैंने दो चीज़ें की, मैंने सबसे पहले एक वेबसाइट पे जा करके सारा का सारा डेटा स्क्रेप किया कि इंडिया में कौन से कुजीन्स अवेलेबल हैं और फिर उन कुजीन्स के इमेजेस को गूगल से डाउनलोड किया, ठीक है। तो ये पूरा डेटा मैंने खुद से क्रिएट किया और आज की वीडियो में मैं इसी डेटा को कैगल पे अपलोड करूंगा, ठीक है। सो लेट्स नॉट वेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये रहा वो डेटा सेट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इमेज टू रेसिपी डेटा सेट। इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें एक सीएसवी फाइल है और एक रार फाइल है। अगर आप इस रार फाइल को ओपन करो तो इसमें इमेजेस हैं, ठीक है। एक बार मैं समझाता हूं इस डेटा सेट में क्या कैसे है। सो ये रहा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सीएसवी फाइल, दिस इज द सीएसवी फाइल, दिस वन, ठीक है। इसमें है नेम, इमेज URL ऑफ द कुजीन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कुजीन, कुजीन का टाइप क्या है, इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती, जो भी होता है, कोर्स, कौन से कोर्स में इसको लिया जाता है, एज एन एपेटाइजर, मेन कोर्स, लंच, डिनर, डाइट कैसा है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और इंस्ट्रक्शंस उसको बनाने के, ठीक है। अब इस डेटा सेट के कई तरीके से यूजेस हो सकते हैं। एक यूज तो जो मैंने आपको बताया कि आप इससे एक इमेज टू रेसिपी सिस्टम बना सकते हो, मतलब इमेज को देख करके हमारा डीप लर्निंग मॉडल बताएगा कि उस डिश को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो कि आप एक रिकमेंडर सिस्टम भी बना सकते हो जिसमें लेट्स से अगर किसी ने ये डिश को सेलेक्ट किया कि मुझे ये डिश पसंद है तो हम बेस्ड ऑन अदर कॉलम्स हम उसको सिमिलर डिशेस रिकमेंड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसके ऊपर डेटा एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। तो ये डेटा सेट काम का है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीएसवी फाइल भी है और इसमें इमेजेस भी हैं, ठीक है।
अब आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आ सकता है कि ये डेटा सेट मैंने कहाँ से प्रिक्योर किया, कहाँ से लेके आया मैं। तो देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको डेटा सेट्स मिल जाते हैं, बट जब आप थोड़ा एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स करोगे तो वहां पे आपको डेटा सेट्स उतने इजिली मिलते नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। जैसे इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे डेटा सेट नहीं मिल पा रहा था, सो मैंने वेब स्क्रैपिंग किया। मैं एक वेबसाइट पे गया, एक वेबसाइट है अर्चनास किचन बोल के, वहां से मैंने ये डेटा काइंड ऑफ वेब स्क्रेप किया। ठीक है, अगर आप क्यूरियस हो तो दिस इज द स्क्रेपिंग का कोड जो मैंने स्क्रैच से लिखा है, और इसी कोड को रन करने से मुझे मेरी सीएसवी फाइल मिल गई। उसके बाद मैंने मेरे सीएसवी फाइल से इमेज यूआरएल्स को उठाया और इस कोड को यूज करके सारे इमेजेस डाउनलोड किए। ठीक है, एंड दैट इज हाउ आई अक्वायर्ड दिस एंटायर डेटा। इसके अलावा और भी टेक्निक्स होती हैं, अगर कोई एपीआईज अवेलेबल है तो आप एपीआई से भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई डेटाबेस है तो आप डेटाबेस से भी निकाल सकते हो, बट मोस्टली यही दो तीन अप्रोचेस आप यूज करते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास डेटा सेट है, हमें पता है उस डेटा सेट में क्या है, और हमें ये भी पता है कि उस डेटा सेट को हमने कैसे क्रिएट किया। ठीक है, अब हम लोग अपना मेन काम स्टार्ट करेंगे, दैट इज टू अपलोड द डेटा सेट ऑन कैगल। ठीक है, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। विल फर्स्ट गो टू कैगल, आपको यहाँ पर अपना लॉग इन करना है, और जैसे ही आप लॉग इन करोगे होम पेज पे आपको क्रिएट बटन दिखाई देगा। यू विल क्लिक ऑन क्रिएट, दो ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू नोटबुक, न्यू डेटा सेट। विल क्लिक ऑन न्यू डेटा सेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करके हमारी दोनों फाइल्स को अपलोड कर देंगे। सो दिस इज द फर्स्ट फाइल एंड दिस इज द सेकेंड फाइल। ऑल्सो यहाँ पे मुझे एक नेम प्रोवाइड करना है मेरे डेटा सेट का, जो टाइटल होगा आई वुड राइट इंडियन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 5000 इंडियन क्यूजीन्स डेटा सेट, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ विथ इमेजेस। ठीक है, अब थोड़ा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ा और कैची नाम भी डाल सकते हो, बट ठीक है फिलहाल मैंने ये नाम दे दिया। और सिंस ये थोड़ा बड़ा फाइल है, 1.18 GB का है, तो थोड़ा टाइम लेगा। तब तक मैं आपको इस इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। आप अलग अलग तरीके से फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, किसी क्लाउड सर्विस के थ्रू, यूआरएल के थ्रू, गिटहब रेपो को भी आप अपलोड कर सकते हो, और ये वाला फीचर शायद मैंने कभी यूज नहीं किया है। बट या अब बस हमें क्या करना है, वेट करना है इसको अपलोड होने का, और उसके बाद हम उसके बाद की चीजें ट्राई आउट करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल मैं एक बार वीडियो पॉज कर रहा हूँ और फिर हम लोग इसको रिज्यूम करेंगे। सो या गाइस, वी आर डन विथ द अपलोडिंग पार्ट, नाउ वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, एंड अगेन इट सेज कि प्रोसेसिंग चल रहा है। तब तक हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन गो टू द डेटा सेट, हमारे डेटा सेट का एक पेज क्रिएट हो गया है। अब बस हमें क्या करना है, इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है जिससे कैगल इस डेटा सेट को और बेटर तरीके से बाकी यूजर्स को दिखा पाए। सो गाइज, हमारा डेटा सेट तो अपलोड हो चुका है, बट करेंटली ये प्राइवेट है, मतलब ये किसी को दिखाई नहीं देगा हमारे अलावा। तो आपके पास ये बटन है मेक पब्लिक, इस पे क्लिक करके आप इसको पब्लिक डेटा सेट बना सकते हो, सो दैट कोई भी इसको यूज कर पाए। बट उसके पहले कैगल आपको रिकमेंड करता है कि आप इस डेटा सेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड करो। ठीक है, और कैगल ने एक बहुत बढ़िया मेट्रिक बनाया है यूजेबिलिटी स्कोर बोल के, जो करेंटली मेरे डेटा सेट का 2.4 है, हाईएस्ट 10 होता है, और कैगल रिकमेंड करता है कि 10 की साइड होना चाहिए आपका यूजेबिलिटी स्कोर। ठीक है, और जैसे ही आपका 10 की साइड होगा यूजेबिलिटी स्कोर, कैगल आपके डेटा सेट को और ऊपर दिखाता है सर्च रैंकिंग्स में, और फिर और ज्यादा लोग आते हैं, और ज्यादा लोग आएंगे तो फिर आपका मेडल्स जीतने का भी जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इस यूजेबिलिटी स्कोर को बढ़ाना कैसे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बस ये जो कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है ये प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो मैं एक एक करके क्या करता हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले आई हैव टू एड अ सबटाइटल, सो सबटाइटल में आई कैन जस्ट राइट डेटा सेट अबाउट इंडियन क्यूजींस परफेक्ट फॉर
बिल्डिंग रिकमेंडर सिस्टम्स, कुछ मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर यू हैव टू सेलेक्ट अ लाइसेंस, आप क्रिएटिव कॉमन्स पब्लिक डोमेन में रख लो, इसको जैसा है वैसा रहने देते हैं। ब्लॉक नॉन एडिटर फ्रॉम क्रिएटिंग टास्क ऑन दिस डेटा सेट, इट्स ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट क्लिक ऑन सेव चेंजेस, और ये देखो ये हो गया। अब अगर मैं पीछे जाऊं तो यू कैन सी सबटाइटल ऐड हो गया और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आई वुड ऐड सम टैग्स, जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे टैग्स में ये सब कुछ है, आई कैन ऐड मोर टैग्स लाइक डेटा टाइप इज इमेज डेटा, टेक्स्ट डेटा, ठीक है। सब्जेक्ट इज वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, कुकिंग एंड रेसिपी। यहाँ पे लेट्स राइट एशिया, ऑडियंस इंटरमीडिएट, टेक्निक, अगर यहाँ पे रिकमेंडर सिस्टम्स होंगे तो हम डाल सकते हैं रिकमेंडर सिस्टम्स, पैकेजेस, वी कैन ऐड केरास क्योंकि डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है, अदरवाइज और भी चीज़ हम ऐड कर सकते थे। सो या दीज आर द टैग्स, यू कैन अप्लाई ओनली अप टू 5 टैग्स, तो इसको हटा देते हैं, एशिया हटा देते क्यों, नाम से समझ में आ रहा है। सो या अप्लाई, ठीक है, टैग्स हमारे अपडेट हो गए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे और एक इमेज ऐड करेंगे, यहाँ पे वो इमेज दिखाई देगा। सो मैंने एक इमेज ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आई विल क्लिक ऑन अपलोड एन इमेज और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, और ये रहा साउथ इंडियन डिशेस का एक इमेज है, आई विल अपलोड दिस। अपडेट एंड अपलोड हो रहा है एंड यू कैन सी इट सेज योर इमेज वॉज अपलोडेड सक्सेसफुली। सो इफ आई गो बैक एंड यू कैन सी ये भी अब कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो यूजिबिलिटी स्कोर है वो अब 2.1 से 4.7 हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट विल एड अ डिस्क्रिप्शन, सो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लिया है, सो आई विल जस्ट कट इट एंड आई विल गो टू द पेज, एड डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड वी विल पेस्ट दिस, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर देंगे। और नाउ इफ आई गो बैक, यूजेबिलिटी स्कोर तो बड़ा है बट एड अ डिस्क्रिप्शन में अभी भी ये सब तो ऐड हो गया। मुझे एक काम और करना पड़ेगा और वो ये है कि हमें हर कॉलम का डिटेल्स बताने पड़ेंगे। सो यहाँ पर यू कैन सी जो सारे के सारे कॉलम्स हैं इनका डिटेल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आई क्विकली डू दैट नाउ, व्हाट वी विल डू इज, इनफैक्ट मैंने कर दिया है, सारे के सारे कॉलम्स मैंने थोड़े से डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिए हैं, थोड़ा और अच्छा कर सकता था मैं बट मैंने जल्दबाजी में किया। आई विल क्लिक ऑन सेव और ये यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिर से रीलोड करूँ तो आई शुड सी अभी भी ऐड अ डिस्क्रिप्शन में मुझे कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, आई डोंट नो वाई। एक काम और कर सकते हैं, ये सारे भी ऑटोमेटिकली हो गए, कॉलम डिस्क्रिप्टर, स्पेसिफाई अ लाइसेंस, फाइल फॉर्मेट, ऐड फाइल इंफॉर्मेशन, ऐड फाइल इंफॉर्मेशन, चलो इसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं। ये देख लेते हैं, अश्योरेंसेस द डेटा सेट इज मेंटेन्ड, ठीक है। सो सबसे पहले आई विल गो टू एडिट और यहाँ पे आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करनी है कि सोर्स क्या है सबसे पहले। सो आई वुड राइट अर्चनास किचन,
I'll copy this URL. This is the URL. Data was web scraped from the website this. ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि मेंटेनर्स कौन है इस डेटा के. इफ यू वांट यू कैन ऐड सम कोलैबोरेटर्स. ऑथर्स में अगर आप चाहो तो कोई ऑथर और ऐड कर सकते हो. यहाँ पे आप अपडेट्स में बता सकते हो कि कितना फ्रीक्वेंटली आप इस डेटा सेट को अपडेट करने वाले हो. ठीक है, सिंस मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं नेवर लिख दे रहा हूँ. और दैट्स इट. सेव चेंजेस पे क्लिक किया और वापस गए डेटा पे और ये सारा भी हो गया. ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, लास्टली वी हैव टू पब्लिश अ नोटबुक. ठीक है, तो लेट्स पब्लिश अ नोटबुक. बेसिकली एक नोटबुक जिसमें आप बताओ कि इस डेटा को कैसे यूज करना है. अब जनरली लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा EDA वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, बट सिंस मैं जल्दबाजी में आपको दिखा रहा हूँ तो मैं फिलहाल बस डेटा इम्पोर्ट करके छोड़ दूंगा. सो या गाइज, मैंने ये नोटबुक छोटा सा बना लिया जिसमें मैंने बस डेटा को इम्पोर्ट किया है और उसका शेप निकाला है. कायदे से मुझे थोड़ा और अच्छे से डेटा क्लीन करके दिखाना चाहिए था और कुछ एक प्रोजेक्ट छोटा करके दिखाना चाहिए था, बट इस पॉइंट पे वो हमारे पास टाइम नहीं है. सो मैंने बस पब्लिश कर दिया और अब जब मैंने इस पेज को रीलोड किया तो यू कैन सी कि पब्लिश नोटबुक पे भी टिक आ चुका है. ठीक है, बस दो चीज़ें बच गई हैं, ऐड फाइल इन्फॉर्मेशन, ऐड अ डिस्क्रिप्शन. ठीक है, ये दोनों क्यों काम नहीं कर रहा मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा. उसके पहले व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक दिस पब्लिक बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं. सो लेट्स मेक इट पब्लिक. सो इट सेज इट इज नाउ पब्लिक. ठीक है, सो अगर मैं ये URL ओपन करूँ एक इनकॉग्निटो टैब में तो देखते हैं कैसा दिखाई देता है. सो ये रहा. सो एक प्रॉब्लम जो मुझे क्लियरली दिख रही है वो ये है कि डेटा का डिस्क्रिप्शन सच में अवेलेबल नहीं है. ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, आई विल फिगर इट आउट. सो गाइज, इसका रीजन ये है कि हमारे पास दो फाइल्स हैं और मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो सिर्फ एक ही फाइल का दिया है. तो मैं ये डेटा वाली डायरेक्टरी में जाऊंगा और यहां पर भी आई विल एड अ डिस्क्रिप्शन. सेव किया और रीलोड किया. सो या गाइज, दिस वाज अ स्टूपिड मिस्टेक. एक्चुअली बार बार जब मैं क्लिक कर रहा हूँ इस डिस्क्रिप्शन पे तो ये मुझे एकदम ही नीचे ले आ रहा है, बट एक्चुअली वो यहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाह रहा है. एड अ डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है. ये थोड़ा UI सही नहीं है, पहले ये थोड़ा बेटर दिखाई देता था. तो यहाँ पे बस मुझे क्या करना है, आई हैव टू पेस्ट. सो या गाइज, मैंने ये अपडेट कर दिया. थोड़ा और अच्छा कर सकता था मैं, बट अगेन आई एम डूइंग इट फास्ट. सेव पे क्लिक किया और ये हो गया है. रीलोड किया एंड यू कैन सी अब मेरा जो यूजेबिलिटी स्कोर है दैट इज 9.4. ठीक है, एक प्रॉब्लम अभी भी बच गई है, दैट इज एड फाइल इंफॉर्मेशन. सो मुझे लग रहा है कि कैगल इज एक्सपेक्टिंग कि मेरे पास डेटा में जितनी फाइल्स हैं मैं हर फाइल को अलग से डिस्क्रिप्शन दूँ. सो ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, देर आर 5000 फाइल्स, बट आई विल ट्राई टू फिगर आउट इसको कैसे करना है सो दैट परफेक्ट 10 का स्कोर मुझे मिल पाए. ठीक है, अब यहाँ पर मेरा जो डेटा सेट है वो रेडी है. ये URL मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ. यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, अगर मैं टास्क पे क्लिक करूँ आई कैन क्रिएट न्यू टास्क. सो कोई अगर यहाँ पे आएगा तो उसको दिखाई देगा कि इस डेटा सेट के ऊपर क्या काम किया जा सकता है. कोड्स में अगर मैं जाऊँ तो जितने भी लोग मेरे डेटा सेट को यूज करके कभी भी कोड करेंगे वो मुझे यहाँ दिखने लगेगा. अभी फिलहाल मेरा खुद का कोड दिख रहा है. यहाँ पे डिस्कशंस होंगे, यहाँ पे एक्टिविटी में मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने देखा, कितने डाउनलोड्स हुए, ये सब मुझे पता चलेगा. मेटा डेटा में जो भी हमने यहाँ पे अपडेट किया था वही है. और सेटिंग्स में जाके आप बाकी चीजें चेंज कर सकते हो बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ दिस डेटा सेट. बट या इन शॉर्ट, दिस इज हाउ यू अपलोड अ डेटा सेट ऑन कैगल. सो दैट वॉज द वीडियो गाइज. कमेंट में लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप कौन सा डेटा सेट अपलोड करोगे अपने कैगल अकाउंट पे. ठीक है, अब एक वीडियो बच गया है जो मैंने प्रॉमिस किया था और वो है कि मैं आपको एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके दिखाऊंगा कैगल के ऊपर. ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आए गाइज तो प्लीज लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.